और इस गीजर के ठीक इस छत पे टंकी रखा हुआ पानी का, इसके कारण ये जो हो रहा है ना, गीजर और मेन टंकी का डिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर नहीं बन पा रहा है और फिर नल में पानी नहीं आ रहा है। जैसे मैं टंकी वाला को बंद कर दूँ, एक टंकी वाला बंद कर दिया हूँ, उसके बाद फिर मैं गीजर वाले को खोलता हूँ, तो देखिए कितना पानी दे रहा है। ये देखिए बहुत धीरे दे रहा है, जबकि मैं इसे पूरा खोल चुका हूँ अब, और देखिए कितना कम प्रेशर, कितना कम पानी दे रहा है, इसीलिए मैं लगाना चाह रहा हूँ प्रेशर पंप को। हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज देखिए हमारे पास है एक प्रेशर पंप, जिसको मैं अनबॉक्स करके आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा पूरा डिटेल में। तो ये मैं इसलिए मंगवाया हूँ क्योंकि ये जो मैं टॉप फ्लोर पर रह रहा हूँ, इसी फ्लोर के ऊपर पानी का टंकी रखा हुआ है, इसके कारण हो गया रहा ना, गीज़र में प्रेशर नहीं बन रहा है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और देख लेते हैं कौन सा ये हमारे पास पंप है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये बॉक्स का वज़न लगभग 3 से 3.5 किलो जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ, 3 से 3.5 किलो है। अच्छा, इसके अंदर भी एक और बॉक्स है, इसमें हमारा ये मोटर है। ये वी गार्ड कंपनी का मैं मंगवाया हूँ, और इसका देखिए एमआरपी इधर लिख रखा है 6,360, बट ये मुझे मिल गया है 4,000 समथिंग में। आप ये इसका रेट अप डाउन होते रहता है, आप एक बार और डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप चेक कर लीजिए कि आपका करंट अभी का प्राइस कितना चल रहा है इसका। ये देखिए वी गार्ड का है और एक साल का वारंटी के साथ। इसको देखिए, इसमें सील ओपन करता हूँ। ये हमारे पास इसमें और कुछ नहीं है, हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है और इसका ये, अच्छा ये पाइप लगाने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, और फिर ये रहा मोटर, ये इनलेट आउटलेट, और ये देखिए वी गार्ड का लोगो, और इसका जो ये कंट्रोलर है सर्किट इसमें है, और हमारा मोटर इसमें है, और जो पानी को पुश करेगा वो इधर के थ्रू से करेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए भी 3 स्विच यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब 3 कंट्रोल इसमें होगा, ऑटोमेटिक, स्टॉप और इधर मैनुअल के लिए। ये देखिए ये हमारा बाथरूम में जो यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, और इस गीज़र के ठीक इस छत पे टंकी रखा हुआ पानी का, इसके कारण ये जो हो रहा है ना, गीज़र और मेन टंकी का डिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर नहीं बन पा रहा है और फिर नल में पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग वो प्रेशर पंप को पहले एक बार यहाँ पर फिट करके देखेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं, और फिर मैं देखूँगा ऊपर छत पर लगा देने के लिए एक फ्लोर के लिए, एक फ्लोर में पूरा प्रेशर वो बनाए, मैं चेक कर लूँगा, पहले देखूँगा कि पहले यहाँ पर लगा करके कैसा परफॉर्मेंस देता। तो ये देखिए उसका कनेक्शन आया हुआ है ये दोनों नल में, और ये वाला जो है अगर ये खुला हुआ रहेगा तो ये टंकी से कनेक्टेड है, और ये वाला गीजर से कनेक्टेड है। देखिए अभी मैं इसको खोल रखा हूँ, और ये मतलब अभी जो है टंकी वाला पानी आएगा इसमें, तो ये इतना पानी दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे अभी बंद कर इसे मैं टंकी वाला को बंद कर दूँ, एक टंकी वाला बंद कर दिया हूँ, उसके बाद फिर मैं गीज़र वाले को खोलता हूँ, तो देखिए कितना पानी दे रहा है। ये देखिए बहुत धीरे दे रहा है, जबकि मैं इसे पूरा खोल चुका हूँ अब, और देखिए कितना कम प्रेशर, कितना कम पानी दे रहा है, इसीलिए मैं लगाना चाह रहा हूँ प्रेशर पंप को। जैसे टंकी वाला खोलूँगा तो फिर तो उससे तेज आ ही जा रहा है, ये देखिए। तो अभी हम लोग देखते हैं पंप लगा करके कि कितना चेंजेस हो रहा है प्रेशर में। तो देखिए मैं इसको सबसे पहले गीजर के पास मैं सेट करने जा रहा हूँ, और उसके लिए देखिए आपके पास ये दोनों जो मिला आपको बासर के साथ, आपको ये दोनों एंड पॉइंट पर इसे टाइट कर लीजिए इसको। देखिए इसमें जो है ये जब भी एक एरो यहाँ पे देखिएगा, ये एरो जब ऊपर की हो रहा है ना, तो मतलब ये आउटलेट होगा, मतलब इन इधर से होगा पानी और आउट इस साइड से होगा, तो ये जो आउट होगा मैं चाह रहा हूँ ये आउट वाला डायरेक्ट गीजर का इन में चला जाए। तो ये देखिए डायरेक्ट गीजर का इन में लगा दिया हूँ इसको, और ये जो था ये पंप में जो इन है मैं डायरेक्ट टंकी से लगा रहा हूँ पानी देने के लिए। मैं बस अभी ऐसे ही टेस्ट करने के लिए मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ। और इसको आपको ऐसे रखना है, आप इसका बुक में देख लीजिएगा वो इसको सही कैसे रखना है। मैं अभी के लिए टेम्परेरी बस चेक करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ।
देखिए एक यहाँ पे NRV लगा हुआ रहता है, ये नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा हुआ रहता है जो कि ये पानी को अंदर जाने देगा बट ऊपर का पानी इधर नहीं आने देता है। तो इसको पुश करने के लिए देखिए मैं ऑन कर दे रहा हूँ मोटर, मोटर ऑन हो गया, वहाँ पर कितना पानी निकल रहा है वहाँ देख सकते हैं, मोटर चालू है उतना प्रेशर दे रहा है, मैं मोटर बंद कर रहा हूँ, ये देखिए हो गया मोटर फिर से ऑन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पानी लीकेज कर रहा था, मैं सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी टेम्परेरी चेक कर लूँ बट लीकेज होने के कारण मुझे प्रेशर का पता नहीं चलेगा ना, इसीलिए मैं टेफ्लॉन टेप लगा दे रहा हूँ दोनों एंड पे, उसके बाद फिर मैं सही से टाइट करके फिर मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए ये नॉर्मल में पानी इतना दे रहा है, मैं मोटर चलाता हूँ उसके बाद देखिए, देखिए मैं मोटर फिलहाल के लिए मैं इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा चेकिंग सब कर रहा है, अब देखिए वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ प्रेशर बना रहा है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसे छत पे लगा करके देखूँ। ये देखिए हमारा छत पर ये पानी का टंकी रखा हुआ है और देखिए यहाँ से एक कनेक्शन निकला हुआ है दोनों फ्लोर में जाने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से डिवाइड हुआ है दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग, उधर वाला जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर के लिए है और ये है ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर में तो अच्छा प्रेशर बन जाता है, उसमें मुझे पाइप लगाने की जरूरत नहीं, प्रेशर पंप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा इसमें लगाऊँगा प्रेशर पंप क्योंकि ये ऊपर वाला फ्लोर है। तो मैं यहाँ से कटिंग करूँगा इसे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए दो यूनियन है हमारे पास, मैं दो यूनियन को फिक्स कर दूंगा इसके साथ ताकि मुझे कभी अगर सर्विसिंग करवाना पड़े पंप को तो मैं इसे आसानी से निकाल करके ले जा सकूँ यूनियन को हटा करके। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कुछ इस तरह से, इसका जो देखिए इसका जो एरो है वो राइट साइड की ओर है, तो मैं इसे ऐसे लगाऊंगा ताकि पानी नीचे की ओर जाए, ठीक है, ताकि मतलब इनलेट मेरा इस साइड से हो आउट इधर से। तो यहाँ पे कटिंग करके मैं थोड़ा सा इसे हाइट पे इसको दोनों साइड यूनियन लगा करके मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ, हाँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये वाला खोल करके हटा दूँगा, मैं इसके जगह ये वाला ख़रीद करके ला रखा हूँ, ये देखिए ये 1 इंच का है और ये वाला आप बोलिएगा दुकान में ले जा करके तो ये बता देंगे, जैसे ये वाला सेट हो जाएगा मेरे को इसमें, ये देखिए डायरेक्ट सेट हो गया मेरा इसमें। उसके बाद फिर क्या है कि मैं यहाँ से ऐसे पाइप लगा करके उसके बाद फिर यूनियन ऐसे लगा दूंगा मैं, ठीक है, दोनों साइड में यही करूँगा और फिर ये पाइप में उसमें जोड़ दूंगा, मेन वाले में फिर मैं जोड़ दूंगा। तो चलिए मैं करता हूँ, उसके बाद फिर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सब। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा फाइनल सेट कर चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैं अभी यूनियन अभी नहीं लगाया हूँ, मैं बाद में इसे लगाऊंगा, मुझे अभी जरूरत पड़ेगा तो मैं आसानी से यहाँ से भी मैं खोल पाऊंगा। तो ये देखिए आपको मेन यहाँ पे देखना है कि ये जो आउटलेट है ना इधर लीकेज नहीं हो, इसीलिए मैं अच्छे से सॉल्वेंट दे करके सबको अच्छे से मैं टाइट कर दिया हूँ। और देखिए इधर से इन हो गया और ये जो एरो है ना, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये एरो गया हुआ है ये लेफ्ट साइड को, तो मतलब आपको इधर को ही आउटलेट रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और पीछे इसका जो स्विच है ये वाला नीचे है तो ऑटोमेटिक मोड है और ऊपर मैनुअल और बीच में स्टॉप, जैसे ये वाला हो गया ये बीच में कर दिया तो ये स्टॉप हो गया मतलब बंद हो गया मशीन, और अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये चलने लग जाएगा। देखिए मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ एक बार, ये अभी चलने लग गया है, आपको पता कैसे चलेगा चलने लगा है, ये देखिए ये लोड ले रहा है 86 वाट का, ये वाला देखिए आप, अभी मैं इसको बंद करता हूँ तो लोड 0 हो जाना चाहिए, ये देखिए 0 हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसे मैं ऑटोमेटिक में डालता हूँ और नीचे ये मैं ऑटोमेटिक में कर दिया हूँ, तो ये प्रेशर चेक कर लिया है कि प्रेशर ठीक है इसलिए मोटर चालू नहीं हुआ, अभी मैं बोलता हूँ नीचे नल चालू करने के लिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये जो भी आप देख रहे हैं ना 2-3 वाट का, ये उसका सेंसर लोड ले रहा होगा, और जब भी मोटर चलने लगेगा तो 80-90 वाट लेने लगेगा लोड, वैसे कंपनी बोला है कि आई थिंक 140 वाट या 120 वाट का ये कुछ, ठीक है। अभी मैं मोटर चालू करने बोलता हूँ, सॉरी नल चालू करने बोलता हूँ, तो वो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं इस इधर देखते रहिए आप ये वाला वाट मीटर को, नल चालू करो, देखिए अभी नीचे से नल चालू होगा तो ये ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से देखिए लोड बढ़ गया,
ये हो गया 92 वाट, और वो मोटर चल रहा है अभी। इतना मतलब साइलेंट है ना ये कि आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बट मुझे फील हो रहा है वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि नीचे नल चालू है। तो जैसे ही बंद होगा नल तो फिर से ये इतना लोड कम हो जाएगा। वो बंद करो, ये देखिए बंद हो गया मोटर और ये लोड कम हो गया। मैं अभी आपको नीचे नल खोल करके दिखाता हूँ कि प्रेशर कितना चेंज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल प्रेशर कितना है, इसलिए मैं उस मोटर का पावर सप्लाई ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल में वो कितना तेज दे रहा है नल से पानी, उसके बाद फिर हम लोग इसे चालू करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना तेज अब गिरने लग रहा है। तो ये देखिए इतना आ रहा है पानी, और ये अभी मोटर बंद है। तब मोटर चालू करो, सीधे चालू। ये देखिए ये प्रेशर इतना तेज बढ़ा है, बंद करना। ये देखिए कम हो गया, आप शायद देख पा रहे होंगे लेकिन हम लोग को यहाँ से आसानी से पता चल रहा है कि ये तेज कम हो रहा है। फिर से चालू करो, ये देखो तेज हो रहा है। और ये देखिए जो शावर होता है इसका हाइट छत से नज़दीक होता है, तो इसमें पता चलेगा क्लियर। ये देखिए मोटर चालू है, तो देखिए इसका प्रेशर, बंद करना। ये देखिए कम हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे गीज़र लगाएंगे और फिर अब गीज़र को चेक करेंगे। एक बार इसमें भी चेक करते हैं, ये देखिए चालू होने पे, ये बंद होने पे। चालू करो, ये देखिए चालू होने पे कितना दूर प्रेशर मार रहा है, ये बंद करना। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा मोटर है, आपको अगर ख़रीदना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खरीद सकते हैं, इसका वारंटी के साथ आता है। और मुझे लगता है इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छा है, मतलब लेकर के पछतावा नहीं होगा कि ले लिया उसको आप काम नहीं कर रहा है। उसको आप फिर यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि ये जो गीजर में लगे लगे ये वाला पाइप, इसका भी एक बार चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत कम प्रेशर आ रहा है, ये अब चालू करना सर। ये देखिए कितना बढ़ गया, ये देखिए बहुत तेज हो गया, ये बंद करना। ये देखिए कम हो गया, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी आसानी से। अभी आसानी से इसमें गीजर में गीजर का कोई प्रेशर का शिकायत अब नहीं रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ ये वाला पाइप को और डायरेक्ट इसमें। तो मैं वैसे एक बार यहाँ पर चेक कर लेता, बट मुझे लग रहा है कि वो छत पे मैं सेट कर दिया वही ज़्यादा सही है। तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं। तो अगर देखिए अगर आपको ये ख़रीदना है लगवाना है तो सबसे पहले आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं डिस्क्रिप्शन में, मैं एक महीना बाद इसके बारे में मैं बताऊँगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर कुछ दिक्कत हुआ है। अगर वहाँ पर कमेंट या कहीं डिस्क्रिप्शन में, मैं ज़्यादातर कमेंट में ही लिखूँगा, अपना कमेंट को पिन कर दूँगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि मैं अपडेट ना करूं। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है, भीगार्ड की तरफ से है, वैसे वारंटी के साथ है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, तो मैं डेफिनेटली मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा कि इसमें ये प्रॉब्लम हुआ है, कितना दिन बाद हुआ है। तो आप अगर एक बार देख लीजिएगा खरीदने से पहले, उसके बाद फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, तो समझिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, इसलिए मैं अपडेट नहीं किया। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं डेफिनेटली मैं अपडेट करूँगा। इस चैनल के जितने भी वीडियोज हैं मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं नीचे गीजर में मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कैसा प्रेशर दे रहा है। प्रेशर पंप का जो मोटर है मैं उसे ऑटोमेटिक मोड में रख दिया हूँ। इसके बाद देखिए ये यहाँ से मैं गीजर वाले को ऑन करूँगा और फिर पहले टंकी वाले को मैं बंद करता हूँ। और ये हमारा गीज़र का कनेक्शन इससे लगा हुआ है। तो मतलब मेन प्रॉब्लम हो रहा था कि गीज़र का पानी धीरे धीरे आता था। अब देखिए मैं ऑन करता हूँ इसे, अभी वो मेरा मोटर ऑटोमेटिक मोड में है। ये देखिए धीरे धीरे प्रेशर बनाया जा रही है। देखिए पहले के कंपैरिजन में ये बहुत तेज़ पानी आ रहा, पहले एकदम बहुत ही धीरे धीरे आता था, वही मेन मेरे को दिक्कत हो रहा था। तो अब देखिए ये गीज़र से पानी आ रहा है और ये अब ठीक ठाक आ रहा है। अगर दोनों को मिक्स करना है तो देखिए फिर और तेज़ हो जाएगा, देखिए और तेज़ हो गया। तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इसे बंद करता हूँ। तो बस ये वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये पंप ख़रीदना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।